जय माता दी। आज शुक्रवार के दिन आइए सुनते हैं माँ लक्ष्मी की कथा। समुद्र मंथन के समय क्षीर सागर से लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी और भगवान विष्णु को अपना पति स्वीकार किया था। कथा इस प्रकार है। एक बार भगवान शंकर के अंशभूत महर्षि दुर्वासा पृथ्वी पर विचर रहे थे। घूमते घूमते वे एक मनोहर वन में गए। वहाँ एक विद्याधर सुंदरी हाथ में पारिजात पुष्पों की माला लिए खड़ी थी। वह माला दिव्य पुष्पों की बनी थी। उसकी दिव्य गंध से समस्त वन प्राण सुवासित हो रहा था। दुर्वासा ने विद्याधरी से वह मनोहर माला मांगी। विद्याधरी ने उन्हें आदरपूर्वक प्रणाम करके वह माला दे दी। माला लेकर उन्मत्त वेशधारी मुनि ने अपने मस्तक पर डाल ली और पुनः पृथ्वी पर भ्रमण करने लगे। इसी समय मुनि को देवराज इंद्र दिखाई दिए, जो मतवाले ऐरावत पर चढ़कर आ रहे थे। उनके साथ बहुत से देवता भी थे। मुनि ने अपने मस्तक पर पड़ी माला उतार कर हाथ में ले ली। उसके ऊपर भौरे गुंजार कर रहे थे। जब देवराज समीप आए तो दुर्वासा ने पागलों की तरह वह माला उनके ऊपर फेंक दी। देवराज ने उसे ऐरावत के मस्तक पर डाल दिया। ऐरावत ने उसकी तीव्र गंध से आकर्षित हो सूंड से माला उतार ली और सूंघ कर पृथ्वी पर फेंक दी। यह देख दुर्वासा क्रोध से जल उठे और देवराज इंद्र से इस प्रकार बोले, अरे ओ इंद्र, ऐश्वर्य के घमंड से तेरा हृदय दूषित हो गया है। तुझ पर जड़ता छा रही है, तभी तो मेरी दी हुई माला का तूने आदर नहीं किया है। वह माला नहीं, श्री लक्ष्मी जी का धाम थी। माला लेकर तूने प्रणाम तक नहीं किया, इसलिए तेरे अधिकार में स्थित तीनों लोकों की लक्ष्मी शीघ्र ही अदृश्य हो जाएंगी। यह श्राप सुनकर देवराज इंद्र घबरा गए और तुरंत ही ऐरावत से उतरकर मुनि के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने दुर्वासा को प्रसन्न करने की लाख चेष्टाएं की, किंतु महर्षि तस से मस न हुए। उल्टे इंद्र को फटकार कर वहां से चल दिए। इंद्र भी ऐरावत पर सवार हो अमरावती को लौट गए। तब से तीनों लोकों की लक्ष्मी नष्ट हो गई। इस प्रकार त्रिलोकी के श्री हुईन एवं सत्य रहित हो जाने पर दानवों ने देवताओं पर चढ़ाई कर दी। देवताओं में अब उत्साह कहाँ रह गया था। सबने हार मान ली। फिर सभी देवता ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी ने उन्हें भगवान विष्णु की शरण में जाने की सलाह दी तथा सबके साथ वे स्वयं भी क्षीर सागर के उत्तर तट पर गए। वहाँ पहुँचकर ब्रह्मा आदि देवताओं ने बड़ी भक्ति से भगवान विष्णु का स्तवन किया। भगवान प्रसन्न होकर देवताओं के सम्मुख प्रकट हुए। उनका अनुपम तेजस्वी मंगलमय विग्रह देखकर देवताओं ने पुनः स्तवन किया। तत्पश्चात भगवान ने उन्हें क्षीर सागर को मथने की सलाह दी और कहा, इससे अमृत प्रकट होगा। उसके पान करने से तुम सब
अजर अमर हो जाओगे, किंतु यह कार्य है बहुत दुष्कर, अतः तुम्हें दैत्यों को भी अपना साथी बना लेना चाहिए। मैं तो तुम्हारी सहायता करूंगा ही। भगवान की आज्ञा पाकर देवगण दैत्यों से संधि करके अमृत प्राप्ति के लिए प्रयास करने लगे। वे भांति भांति की औषधियाँ लाए और उन्हें क्षीर सागर में छोड़ दिया। फिर मंदरांचल पर्वत को मथानी और वासुकी नागराज को नेती रस्सी बनाकर बड़े वेग से समुद्र मंथन का कार्य आरंभ किया। भगवान ने वासुकी की पूछ की ओर देवताओं को और मुख की ओर दैत्यों को लगाया। मंथन करते समय वासुकी की निश्वाग्नि से झुलस कर सभी दैत्य निस्तेज हो गए और उसी निश्वास वायु से विक्षिप्त होकर बादल वासुकी की पूछ की ओर बरसते थे, जिससे देवताओं की शक्ति बढ़ती गई। भक्तवत्सल भगवान विष्णु स्वयं कच्छप रूप धारण कर क्षीर सागर में घूमते हुए मंदरांचल के आधार बने हुए थे। वे ही एक रूप से देवताओं में और एक रूप से दैत्यों में मिलकर नागराज को खींचने में भी सहायता देते थे, तथा एक अन्य विशाल रूप से जो देवताओं और दैत्यों को दिखाई नहीं देता था, उन्होंने मंदराचल को ऊपर से दबा रखा था। इसके साथ ही वे नागराज वासुकी में भी बल का संचार करते थे और देवताओं की भी शक्ति बढ़ा रहे थे। इस प्रकार मंथन करने पर क्षीर सागर से क्रमशः कामधेनु, वारुणी देवी, कल्पवृक्ष और अप्सराएं प्रकट हुईं। इसके बाद चंद्रमा निकले, जिन्हें महादेव जी ने मस्तक पर धारण किया। फिर विष प्रकट हुआ, जिसे नागों ने चाट लिया। तदंतर अमृत का कलश हाथ में लिए धन्वंतरी का प्रादुर्भाव हुआ। इससे देवताओं और दानवों को भी बड़ी प्रसन्नता हुई। सबके अंत में क्षीर समुद्र से भगवती लक्ष्मी देवी प्रकट हुई। वे खिले हुए कमल के आसन पर विराजमान थी। उनके अंगों की दिव्य कांति सब ओर प्रकाशित हो रही थी। उनके हाथ में कमल शोभा पा रहा था। उनका दर्शन कर देवता और महर्षिगण प्रसन्न हो गए। उन्होंने वैदिक श्री सूक्त का पाठ करके, लक्ष्मी देवी का स्तवन करके दिव्य वस्त्राभूषण अर्पित किए। वे उन दिव्य वस्त्राभूषणों से विभूषित होकर सबको देखते देखते अपने सनातन स्वामी श्री विष्णु भगवान के वक्ष स्थल में चली गई। भगवान को लक्ष्मी जी के साथ देखकर देवता प्रसन्न हो गए। दैत्यों को बड़ी निराशा हुई। उन्होंने धन्वंतरी के हाथ से अमृत का कलश छीन लिया, किंतु भगवान ने मोहिनी स्त्री के रूप से उन्हें अपनी माया द्वारा मोहित करके सारा अमृत देवताओं को ही पिला दिया। तदंतर इंद्र ने बड़ी विनय और भक्ति के साथ श्री लक्ष्मी जी ने देवताओं को मनवांछित वर दिया।